एच नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उलहक रहमान। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव इस समय कई तरीके से रणनीतिक बदलाव कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे रहे वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। दरअसल समाजवादी पार्टी को इस बात जो है का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डर सता रहा था कि कहीं जो है इस बार भी उनको चुनाव में हार का सामना न करना पड़े, और हुआ भी ऐसा ही। अब कोई इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल जब भी जो है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, और इस बार तो ऐसा लग रहा था कि जो है राजा भैया समेत कई और बड़े लीडर उनके साथ खड़े हैं, यानी कि क्षेत्रीय दल के तौर पर जो तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए हुए उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से वो कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जितने मेयर पद हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, इसमें से एक भी सीट पर उनको जीत नहीं मिली। और इस समय ये कहा जा रहा है कि अब 2024 के लिए राजा भैया संघ कई और जो है बड़े क्षेत्रीय दल उनके साथ मिलकर एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जो है सियासी बिगुल फूंका जा सकता है। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि क्या अखिलेश यादव मात्र क्षेत्रीय दलों को जोड़कर, खास तौर से जबकि जो है कई क्षेत्रीय दल उनसे दूर जा रहे हैं, कई जो है बड़े राजनेता उनसे अलग हो रहे हैं, चाहे वो ओपी राजभर हो या और कई बड़े चेहरों की बात करें, इन सब के बावजूद भी उनको इस बात की उम्मीद है कि प्रदेश की जनता उनका साथ देगी और 2024 के लिए राजा भैया सिंह मिलकर वो कोई बड़े प्लान के तहत काम करने वाले। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में उनकी जीत किस तरीके से देखने को मिलती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।